जय माता लक्ष्मी की। स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुबह उठते ही आपके कौन से ऐसे कार्य करने हैं, माता लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहे। सभी पति पत्नी सभी उम्र के लिए बहुत जरूरी, सभी को ये वीडियो बहुत जरूरी। सुबह उठते हैं करने कुछ कार्य, हो जाएंगे चमत्कार। माता रानी की होगी कृपा, अतिशीघ्र होगी धन की वर्षा और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ति आपके भविष्य में अच्छी मिलेगी। तो जानिए इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी। जानते ही आपके चमत्कार और भाग्य दोनों एक साथ खुल उठेंगे और आप रातों रात बन सकते हैं करोड़पति। बस कुछ करने हैं उपाय, कुछ है जानकारियाँ जो इस वीडियो के अंत में। सभी जानकारियाँ लास्ट तक देखें, एक नहीं दो नहीं पांच पांच जानकारियाँ दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ कार्य करने हैं, पूरे दिन बनी रहेगी माता लक्ष्मी की कृपा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YTPS माइंड चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सुबह कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे देवी लक्ष्मी माँ हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हो और पूरे दिन आप पर कृपा बनी रहे। ये कुछ उपाय हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स पर जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें। माता लक्ष्मी सदैव आपके धन के भंडार भरे रखे और आप हमेशा आर्थिक तंगी से दूरी रहें और हमेशा खुशहाल जीवन को अपने जिएं। जय बागेश्वर धाम की, जय बजरंगबली महाराज की। कहा जाता है कि सुबह की शुरुआत अगर अच्छी है और शुभ होती है तो पूरा दिन ही अच्छा होता है। तो इसीलिए सुबह सुबह आपको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे आपका दिन भी बहुत ही शुभ और अच्छा हो। कई लोग आर्थिक तंगी से जूझते हैं तो कुछ लोग मानसिक बीमारियों से परेशान रहते हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसती रहे, उनके जीवन में सुख सुविधा और धन आए। ज्योतिष के हिसाब से सुबह सुबह कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो, घर में खुशहाली का माहौल हमारे बना रहे। आप चाहते हैं कि आपका दिन खुशहाल रहे तो इसके लिए सुबह उठकर सबसे पहले अपने इष्ट देवता को याद करना है। ध्यान रहे इस बात का, अपने इष्ट देवता का सर्वप्रथम आपको याद स्मरण करना है। कई लोग सुबह उठते ही अखबार या निगेटिव कुछ पढ़ने लगते हैं और मोबाइल चलाने लगते हैं। इसके अलावा कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल के दर्शन करते ही हैं। ये सारी चीज़ें पूरे दिन आप पर निगेटिव प्रभाव डालती हैं। दोस्तों आपको ये नहीं करना है, सर्वप्रथम आपको अपने इष्ट देवों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा से याद करना है। फिर इसके बाद करना है अपनी हथेलियों को देखें। जी हाँ, सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और रगड़ें, फिर एक मंत्र का पाठ करें जो मैं मंत्र बता रहा हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर्मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कदर्शनम। ये मंत्र के करने के बाद हथेलियों को चेहरे पर फेरें। मानता है कि ऐसा करने से ब्रह्मा जी, माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी साक्षात कृपा आपके ऊपर होगी और हर संकट से आपको निजात मिलेगा, होगी सारी परेशानियां खत्म। फिर इसके बाद धरती को स्पर्श करें। अपने हथेलियों के दर्शन करने के बाद पैरों को जमीन पर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करना हमारे लिए बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है, क्योंकि धरती माँ हमारे लिए हर तरह के बोझ झेलती हैं। तो इसलिए हमें धरती माँ को प्रणाम करते ही फिर इसके बाद चरण हमें देने चाहिए धरती माँ के ऊपर। धरती को हम माँ कहते हैं, ऐसे में माँ के चरण स्पर्श करके ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए, इससे सब ही सुखमयी होगा। फिर इसके बाद सूर्यदेव को जल दें। जी हाँ दोस्तों, सूर्यदेव से पहले उठने के बाद सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ कपड़े पहनकर तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल दें। जल में लाल फूल और रोली को भी मिला लें। इस दौरान ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों इससे बहुत ही सुखद स्थिति आपको प्राप्त होगी। तुलसी को जल देना बहुत ही शुभ माना गया है। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद तुलसी में भी जल चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी में जल अर्पित करने के बाद दिए भी जलाएं। रोजाना सुबह ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद हमें मिलता है और संपूर्ण कष्टों से हमें शीघ्र छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों घर में नमक पानी का पोंछा लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्योदय से पहले पानी में नमक मिलाकर घर में पोंछा लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर से निगेटिव एनर्जी दूर होती है।
इसके साथ ही घर में सुख शांति के माहौल बना रहता है। पौधों में पानी देना चाहिए, सूर्य के उगने से पहले उठना चाहिए, बिस्तर छोड़ने के बाद तुरंत स्नान करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप अगर समय से अच्छे मन से कर पाते हैं, मैं गारंटी देता हूँ माता लक्ष्मी आपके ऊपर सदा ही आपके लिए कृपा बनाए रखेंगे। ऐश्वर्य की देवी, धन दौलत की देवी, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तो हर कोई तरसता है, लेकिन ऐसी कृपा माता लक्ष्मी उन्हीं पर बरसाती है जो उनके नित्य नियम पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं। लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सुबह के समय व्यक्ति को कुछ ऐसे ही उपाय करना चाहिए जो हमने बताए हैं और आगे भी बताएंगे। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन अन्न की प्राप्ति होती है, इसलिए हर किसी की कामना होती है कि उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। ऐसे में आप चाहें तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। उन्हें करने के घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, इसके साथ ही घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। जानिए कौन से हैं वो असरदार तरीके, चमत्कार तरीके, क्या करने हैं उपाय। अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं सर्वप्रथम, और सुबह स्नान करके जल जरूर चढ़ाएं तुलसी माता के पौधे में। तुलसी के पौधों में साक्षात माता लक्ष्मी के पास पाया जाता है, इसीलिए तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी में जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु का जाप मंत्र अवश्य करना है। भगवान विष्णु का मंत्र आपको अवश्य करना है, ओम नमो भगवते वासुदेव नमः जाप करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि की कृपा भी बनी रहती है, जो हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, सुबह के समय आपको घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा करने से आपको हर विपदा से छुटकारा मिलेगा। जी हाँ, और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इतना ही नहीं, दीपक जलाने के घर के वास्तु दोष से छुटकारा भी मिलता है। रोजाना पूजा करने के बाद तिलक जरूर लगाना चाहिए। जी हाँ, शास्त्रों में इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपको शांति सुकून मिलने के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्नता होती हैं, इसलिए रोजाना चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। अपने मंदिर पर सर्वप्रथम पूजा प्रस्थान करें, सच्चे दिल से पूजा करें, फिर इसके बाद पूजा करने के बाद संपूर्ण संपन्नता के साथ आप तिलक का इस्तेमाल जरूर करें। और अपने माथे पर तिलक लगाना एक बहुत ही शोभनीय कार्य होता है, बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। दोस्तों, वास्तु दोषों को से छुटकारा पाने के लिए रोजाना सुबह घर में साफ सफाई करना और नमक के पानी का पोंछा लगाना अति विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है, और माता लक्ष्मी आपके सारे संपूर्ण मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी अति शीघ्र कर देते हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही माँ लक्ष्मी को नमन करें, स्नान कर स्वच्छ सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र व माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। अगर संभव हो तो कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, जो उन्हें बहुत ही प्रिय माना गया है। जब भी घर से किसी भी खास काम के लिए निकलें तो पहले थोड़ा सा मीठा दही खाकर निकलें, कुछ मीठा खाकर अवश्य निकलें। अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी अवश्य डालना बहुत ही शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बतासा आदि अर्पित करें, ये सब महालक्ष्मी को बहुत ही प्रिय माने गए हैं। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया। घर में स्थायी सुख समृद्धि है तो पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी जी का हमेशा वास रहता है। दोस्तों, संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गज लक्ष्मी माँ की उपासना करें, इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी होगी। घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए, ना होने देना चाहिए।
जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंक देते हैं उनके घर का भी धन वैभव और सुख का मार्ग नहीं प्रशस्त होता। जय माता लक्ष्मी। अवश्य लिखे कमेंट बॉक्स पर, चैनल को सब्सक्राइब।